हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी टू एग्जाम न्यूज़ के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार राज्य के जनरल नॉलेज का सेट नंबर टू, सीरीज नंबर टू, जो बिहार के जियोग्राफी भूगोल पे पूरी तरीके से आधारित है। शुरुआत करने से पहले आप सभी से बताना चाहूँगा कि स्टडी टू एग्जाम न्यूज़ के चैनल पे करीब 20 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो बिहार राज्य के जनरल नॉलेज पे आधारित है। बिहार राज्य के जीके से करीब 1500 से लेकर 2000 करीब ऑब्जेक्टिव प्लस आने वाले हैं, 20 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। अगर आप लोगों में से कोई नया व्यूअर्स हो तो आप स्टडी टू एग्जाम न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स का अपडेट्स आप सभी को मिल सकें। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स बिगिन हियर फ्रॉम फर्स्ट वन। सबसे पहले जानेंगे बिहार के चारों दिशाओं के राज्य। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश है पश्चिम में। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बिहार के कितने पड़ोसी राज्य हैं जो बिहार के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं? तो ये तीन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कितने देश हैं? तो एक है नेपाल जो बिहार की सीमा से स्पर्श करता है। अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार के भूगोल से जुड़े हुए हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है जो बाढ़ग्रस्त है? वहां पे हमेशा करीब बाढ़ आ जाते हैं हर साल। 64%, 47%, 74% या 82%, कितना परसेंटेज क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, आंसर है थर्ड। 74% ऐसे क्षेत्र है बिहार का जो बाढ़ग्रस्त है। सो आंसर विल बी ऑन थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? सबसे अधिक फ्लड प्रवण स्टेट, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? इसका आंसर है फोर्थ, बिहार, जहां पे सर्वाधिक बाढ़ आता है। बिहार में कोसी बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन से बांध टूटने से आया था? कौन से बांध का टूट जाने से कोसी बांध आया था? इसका ऑप्शन है कुसहा के उत्तर तटबंध, कुसहा के पश्चिम तटबंध, कुसहा के पूर्वी तटबंध या कुसहा के दक्षिण तटबंध। इनमें से कौन से बांध का टूट जाने के कारण 2008 का कोसी बांध बाढ़ आया था? तो हमें इसमें बताना है एक ऑप्शन। तो आंसर है कुसहा के पूर्वी तटबंध, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, जिसके टूट जाने से, कुसहा के पूर्वी तटबंध को टूट जाने के कारण कोसी बाढ़ आया था बिहार में। बिहार का सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सा है? ऑप्शन है सोन कनाल, गंडक कनाल, त्रिवेणी नहर या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको एक बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, सोन कनाल, जो बिहार का सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। बिहार में नलकूप द्वारा सिंचाई कितना प्रतिशत होता है? नलकूपों द्वारा बिहार में कितना परसेंट सिंचाई होता है? ऑप्शन है 56%, 58.8%, 66.5%, 77.5%। इसका सही आंसर है 66.5%, 56.6%, 50.8, 66.5, 77.5। ऑप्शन है थर्ड। 2012-17 कृषि रोड मैप कौन सा कृषि रोड मैप था 2012-17 का? दूसरा कृषि रोड मैप था, पांचवा कृषि रोड मैप था, फर्स्ट कृषि रोड मैप था या फोर्थ कृषि रोड मैप था? इसका आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर वन। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुई? 2008,
ईस्वी के दौरान, 2001 ईस्वी के दौरान, 2000 ईस्वी के दौरान या 2005 ईस्वी के दौरान बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 2008 ईस्वी के दौरान बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार राज्य का भू आकृति कैसा है, किस प्रकार का है? वर्गाकार है, हेक्सागोन है, ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिहार राज्य का भू आकृति जो मैप है वो रेक्टेंगुलर है, आयतकार की तरीके से है, आयतकार जैसा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कुल कितना है? एरिया ऑफ बिहार स्टेट 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। आंसर है 94,163, फर्स्ट ऑप्शन है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल? ऑप्शन है 2.56%, 2.86%, 3.46%, 1.76%। ऑप्शन है 2.86%। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 13वां, 12वां, तीसरा या 10th? ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, 13th। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, थर्टींथ, टेंथ, थर्ड या फोर्थ। इसका सही आंसर है थर्ड। जनसंख्या की दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिहार इज ऑन थर्ड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिहार राज्य जो है भारत के नक्शे के अनुसार भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितना है? ऑप्शन है 456 किलोमीटर, 354 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या 445 किलोमीटर। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है 345 किलोमीटर है जो बिहार का क्षेत्रफल का जो एरिया है उसका उत्तर से दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन है 438 किलोमीटर, 348 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर है 483 किलोमीटर जो बिहार का क्षेत्रफल के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? आंसर होगा 3। बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ऑप्शन है 6, 9, 7 या 8। इसका सही आंसर है 7। टोटल 7 जिला जो है बिहार के वो नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करता है। बिहार का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? दोनों उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। पश्चिम चंपारण है, रक्सौल है, छपरा है या किशनगंज है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला ऑप्शन नंबर एक है, पश्चिम चंपारण जो उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार राज्य का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय या किशनगंज। कौन सा जिला है पश्चिम बंगाल एवं नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है बिहार का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, किशनगंज जो बंगाल से सटे हुए हैं ये जिला, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ।
किशनगंज जो नेपाल और बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार राज्य का पृथक कब हुआ, कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 22 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 5 नवंबर 2000 को? इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 को। बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग जो है जिससे झारखंड राज्य बना, कितने प्रतिशत जमीन से, कितने प्रतिशत भूभाग से झारखंड राज्य बना? 35.86%, 45.86%, 54.86% या 24.86%? सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 45.86%। समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से कितना ऊंचा पर बिहार बसा हुआ है? 243 फीट, 163 फीट, 173 फीट या 273 फीट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, 173 फीट की ऊंचाई पर बिहार राज्य बसा हुआ है। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य कौन सी देशांतर रेखा से होकर गुजरती है, कितने डिग्री पे? ऑप्शन है 86 डिग्री, 68 डिग्री, 67 डिग्री या 56 डिग्री? सही आंसर है 86 डिग्री देशांतर रेखा से होकर बिहार राज्य गुजरता है। गंगा नदी की कौन से भाग में बिहार बटा हुआ है, गंगा नदी के कौन से पार्ट से बिहार बटा हुआ है? गंगा के पूरब एवं दक्षिणी भाग से, गंगा के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग से, गंगा के उत्तर एवं पश्चिमी मैदान, गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के पूर्व और दक्षिण, गंगा के उत्तर एवं दक्षिण, गंगा के उत्तर एवं पश्चिम, गंगा के उत्तर मैदान? इसका सही आंसर है गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कुल कितना है, ये आपको बताना है। टोटल है 56,880 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में गंगा का दक्षिणी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर एक है 31,670, 38,670, 33,670, 39,670। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, 33,670। बिहार राज्य का मैदानी भाग का क्षेत्रफल कुल कितना है, ऑप्शन है 92,650 स्क्वायर किलोमीटर, 90,650, 96,650 या 91,650 स्क्वायर किलोमीटर? बिहार राज्य का मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, जो बिहार राज्य के मैदानी भाग का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। बिहार के कौन से जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन है पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर या पश्चिम चंपारण? आंसर है पश्चिम चंपारण, फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। बिहार में दक्षिण पश्चिम की पहाड़ी कौन सी पहाड़ियों का समूह है, हिमालय का है, विंध्य रेंज का है, शिवलिक रेंज का है या धारवाड़ रेंज का है? कौन से पहाड़ियों का समूह है? आंसर है सेकंड ऑप्शन, विंध्य। शिवलिक की पहाड़ी बिहार के कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व में स्थित है शिवलिक की पहाड़ी? चार ऑप्शन दिए, इनमें आपसे आपको एक बताना है, शिवलिक की पहाड़ी बिहार के कौन से भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार के काफ़ी सारे एग्जामों में, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट? सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है शिवलिक की पहाड़ी। बिहार का सबसे ऊँचा चोटी कौन सा है, बराबर की पहाड़ी, शिवलिक की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है बिहार का, आंसर है सोमेश्वर की पहाड़ी। नाउ नेक्स्ट वन, सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कुल कितनी है, 874 मीटर, 840 मीटर, 570 मीटर या 560 मीटर? सोमेश्वर की पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक,
874 मीटर जो सोमेश्वर की पहाड़ी की कुल ऊंचाई है. सो ऑप्शन नंबर एक 874 मीटर. त्रिवेणी नहर में कौन से नदी से पानी आता है? त्रिवेणी कनाल जो है उसमें कौन से नदी से पानी आता है? बागमती, पुनपुन, गंडक या गंगा, इनमें से कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है, त्रिवेणी कनाल? ये ऑप्शन है थर्ड, गंडक नहर से पानी आता है त्रिवेणी कनाल में. कोसी परियोजना की नहर कहाँ से निकलती है? बेतिया, हनुमान नगर, शिवपुर या प्रताप नगर. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी सारे बिहार स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जामों में. इसका सही आंसर है हनुमान नगर, जहाँ से कोसी परियोजना की नहर निकलती है. ऑप्शन नंबर टू. अगला क्वेश्चन अब, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, रोहतास जिला, जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई होता है नहर द्वारा. कोसी परियोजना बिहार के कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र? कोसी परियोजना बिहार के कौन से क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कोसी परियोजना स्थित है. कोसी परियोजना संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्य या देशों का? बिहार एवं नेपाल का, बिहार एवं झारखंड का, बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं नेपाल का, एवं या केवल बिहार का? तो सही आंसर है बिहार एवं नेपाल का जो संयुक्त परियोजना है, बिहार एवं नेपाल देश का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? कितना परसेंटेज जो है इरिगेशन के लिए किया जाता है बिहार के टोटल एरिया पे? 60%, 70%, 45% या 50%? इसका सही आंसर है टोटल 50% जो है बिहार के एरिया पे सिंचाई की जाती है. सबसे कम सिंचाई कौन से जिला में होता है बिहार का? बेगूसराय, नालंदा, दरभंगा या जमुई? सबसे कम सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है बिहार का? इसका सही आंसर है जमुई, फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर है जमुई. नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिला में होती है? बिहार के कौन से जिला में है जो जहाँ पे ट्यूबवेल द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों द्वारा? बेगूसराय, दरभंगा, पश्चिम चंपारण या नालंदा? इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण. पुनपुन ब्रिज सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? गया में, औरंगाबाद या जहानाबाद या पटना? पुनपुन ब्रिज सिंचाई परियोजना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, औरंगाबाद जिले में पुनपुन ब्रिज सिंचाई परियोजना स्थित है, ऑप्शन नंबर टू. अगला क्वेश्चन, बिहार का मुख्य खदान फसल कौन कौन सा है? मक्का, चावल, गेहूं या ये तीनों? इसका सही आंसर है इनमें से सभी, मक्का, राइस, वेट, ये तीनों है जो बिहार के मुख्य खदान फसल है. बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नालंदा, पटना, गया या ए और बी दोनों? नालंदा या पटना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, नालंदा एवं पटना जहाँ पर सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है. सर्वाधिक गन्ना बिहार के कौन से क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र? बिहार के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र. बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? जो कृषि पे डिपेंड्स है लोग, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन बिहार? 68%, 66%, 86% या 56%? आंसर है टोटल 86%, 86% से
करीब अधिक है, 86 पॉइंट समथिंग है। जूट उत्पादन के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट? जूट उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है बिहार का भारत में, बंगाल के बाद। बिहार के कौन से जिले में अफीम की खेती होती है, भागलपुर, समस्तीपुर, मुंगेर या किशनगंज? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, मुंगेर। मुंगेर जिला जहां पे अफीम की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर थ्री। बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित हुआ, हथुआ, भागलपुर, पूसा या मुंगेर? कौन से जिले में कहां पे स्थापित हुआ कृषि विश्वविद्यालय? आंसर है पूसा, जो समस्तीपुर जिले में आता है, जहां पे बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू की गई, 1999 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2000 ईस्वी या 1995 ईस्वी? कब किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई? आंसर है 1999 से बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया गया। बिहार के कौन से जिला में सर्वाधिक फल का उत्पादन होता है, हाजीपुर, भागलपुर, गोपालगंज या मुजफ्फरपुर? सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है बिहार का? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, मुजफ्फरपुर जिला, जहां पर सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है बिहार, जहां पर सबसे अधिक ग्वावा अमरूद का उत्पादन होता है। बिहार में सर्वाधिक कौन सा फल की खेती होती है, लीची, अमरूद, केला या मैंगो? सबसे अधिक कौन से फल की खेती होती है बिहार में? आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, केला। केला की खेती सबसे अधिक होती है, मुख्य तौर पर बिहार के हाजीपुर जिले में सर्वाधिक केला का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक खेती बिहार में केले की होती है। सो थैंक यू, दिस वॉज द लास्ट वन। आई होप दिस ट्यूटोरियल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। अगर आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे अपडेट्स जो अभी आने वाले हैं, काफ़ी सारे बिहार से जुड़े काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज आने वाला है, उस सब अपडेट्स आप सभी को समय से पहले मिल सके, एग्ज़ाम से पहले। सो थैंक यू, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन विद सम न्यू नेक्स्ट अपडेट्स।